रस्ट वॉच एनालिसिस है क्या? रस्ट वॉच एनालिसिस सबसे पहले ये रहता है कि घड़ी जो है वो आपका भाग्य बदल सकती है। अब ये कैसे, आज आप लोग इस पूरे वेबिनार में समझेंगे कि घड़ी हमारा भाग्य कैसे बनाती है और घड़ी हमारा भाग्य कैसे बिगाड़ती है। सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि घड़ी है क्या। सभी लोग समझ सकते हैं कि घड़ी क्या है। घड़ी जो है वो है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो घड़ी को हम कहते हैं शनि। और जितने भी लोग इस दुनिया में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं शनि के साथ। भृगु नंदी नाड़ी में ऐसा कहा जाता है, शनि जो है वो हमारा काम धंधा है, हमारा व्यापार है, हमारा व्यवसाय है, हमारी समस्त गृहस्थी के साथ कनेक्ट होता है, वो है शनि। अगर किसी व्यक्ति का शनि खराब है तो वह व्यक्ति जीवन में कितने भी प्रयास कर ले, बहुत प्रयास कर लेगा तो भी वो अपने जीवन में उस सफलता तक नहीं पहुंच सकता जिस सफलता तक उसको पहुंचना है। पहली चीज आप लोग ये देखना, समझने की कोशिश करना, आप लोग देखे होंगे कई लोग लोहे का व्यापार करते हैं, कई लोग करते लोहे का व्यापार, और कई लोगों का ऐसा होता है कि लोहे का व्यापार करते हैं और वो बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं, उनके पास पर्याप्त से ज्यादा धन होता है। कई लोग ट्रकें खरीदते हैं, एक ट्रक खरीदते हैं, एक के बाद 10 ट्रक बना लेते हैं, और कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो एक ट्रक खरीदते हैं, उनका जो भी है वो भी चला जाता है। वो क्या है? वो शनि है। एस्ट्रोलॉजी में जो लोग नीलम स्टोन के बारे में जानते हैं, नीलम जो स्टोन होता है वो बहुत पावरफुल स्टोन होता है, वो आपकी लाइफ को 360 डिग्री टेम मतलब चेंज कर देता है, 360 डिग्री लाइफ में वो यूं रोटेट कर देता है। अब जब बात आती है घड़ी की, तो घड़ी आपका एक शनि है, वक्त। इस दुनिया में देखना, जब व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा होता है तो वो कहता है कि मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा समय अच्छा आ गया, मैं अपने समय में ये कर रहा हूं, मैं अपने समय में वो कर रहा हूं। और एक चीज आप देखना, जब व्यक्ति का समय खराब होता है तो हम क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति का समय खराब चल रहा है। कोई भी काम जब आप करते हो तो आप मुहूर्त देख के करते हो, समय देखकर करते हो। जब इंसान जीवित है तो हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का समय चल रहा है, और जब व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो हम एक शब्द कहते हैं कि इसका समय आ गया, इसलिए इसको भगवान ने बुला लिया। तो समय इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हम सारे के सारे लोगों ने ना समय को बर्बाद करके रखे हैं, और वो समय कैसे बर्बाद हुआ है वो हम आगे समझेंगे। तो ये घड़ी क्या है? घड़ी आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारे जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि घड़ी से ऐसा कैसे चमत्कार हो सकता है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आप घड़ी का हम एनालिसिस जब करेंगे तब पता चलेगा कि नहीं, घड़ी व्यक्ति के जीवन में कितना ज्यादा रोल प्ले करती है और व्यक्ति कितना आगे बढ़ता है। यहाँ पर एक चीज, दो तीन चीजें बताता हूँ, आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करना। एक तो ये है, सबसे पहले चीज ये है कि जो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता, बहुत ध्यान से समझना, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, जो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता है उसके जीवन में तीन चीजें होती है। तीन चीजें आप देखोगे ही देखोगे, कहीं ना कहीं से उसको ये तीन चीजें मिलती ही है। सबसे पहला, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी होता है। जो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता है वह व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी होता है, वो अपने कामों को आगे की तरफ टालता है। अरे आज नहीं करेंगे, कल कर देंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर देंगे, 2 दिन के बाद करेंगे, 4 दिन के बाद करेंगे। पहली चीज उसमें ये देखी जाती है प्रवृत्ति। आप लोग अपने आप से मैच करके देखना, ठीक है। दूसरी प्रवृत्ति यह होती है कि जो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनते हैं उनका जीवन में कभी भी कोई भी काम आसानी से नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है, और एक ही काम को वो कम से कम 3 से 4 बार जब करेंगे तब
तब जाके उनका काम बनता है। यहाँ पे एक बात आएगी सर, कुछ लोग घड़ी पहनते हैं उसके बाद भी उनका काम क्यों नहीं बनता, तो हम आगे बताएंगे कि जो घड़ी पहनते हैं उनका काम क्यों नहीं बनता। तीसरी चीज, अब देखना जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं उनके दो प्रॉब्लम मैंने बेसिकली देखी है, उनके घर में फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है और दूसरा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है। ये पॉइंट मैच करते ही है, अगर इसमें से आप बोलेंगे कि सर इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है पॉइंट, तो मैं मान ही नहीं सकता। ये तीन पॉइंट व्यक्ति के होते ही हैं। अगर घड़ी नहीं पहनता है तो वह व्यक्ति आलसी होगा, अपने काम को दूसरे दिन के लिए टालेगा। दूसरा, उस व्यक्ति का या तो रिलेशनशिप खराब होगा या तो उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताइए कितने लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम मैच कर रही है। हाँ सर, फाइनेंस को लेके तो है, और वो भी है सर जो आप बोल रहे हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं बस सर, आप एक सही कह रहे हैं सर, सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं दो लोगों, बस सर, तीन लोग, चार लोग, सही बात है। काम को टालने की आदत है, सभी बहुत सारी चीजें मैच कर जाती हैं सर, पूरी चीजें है, मैच कर सभी रही हूँ, सारी मैच कर रही है। तो चीजें मैच। सर जब घड़ी अभी पहनना शुरू किया है, पहले तो नहीं किया था, तब तो जॉब वॉब का ठीक चल रहा कहीं से बहुत इरिटेशन की आवाज आ रही है तो मैंने म्यूट कर दिया। चलिए, इस पे बिलीव करते हैं सारे लोग कि हाँ हम घड़ी नहीं पहनते तो हमारे साथ ही प्रॉब्लम आती है। करते हैं नहीं करते हैं? सर था। जी बिल्कुल करते हैं, ऐसे बिल्कुल है, करते हैं, अब स्क्रीन पे यस। हैंड रेस कर हाँ दो। जी सर, ठीक है, यस सर, अब ये घड़ी का जो साइंस है ना, ये साइंस जो है ये बहुत मेहनत करके बहुत वो मतलब नई नई में तो मैंने कम से कम 5 से 7 हजार लोगों की घड़ियों का एनालिसिस किया। उसके बाद जाके हमने देखा कि ये प्रॉब्लम्स आई और हम इसकी फिर मैंने R&D निकाली। अभी जब मैं एनालिसिस करूंगा ना घड़ी का, जो आप लोगों ने जितने लोगों ने ग्रुप में फोटो भेजी है, घड़ी का एनालिसिस करने के बाद मैं बता दूंगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कि आप घड़ी से प्रेजेंट कैसे देख सकते हैं, किसी व्यक्ति का पास्ट कैसे बता सकते हैं, फ्यूचर कैसे बता सकते हैं, उस व्यक्ति के घर में वास्तु दोष कहाँ है वह बता सकते हैं, उस व्यक्ति की बॉडी में तिल कहाँ है वो बता सकते हैं, उस व्यक्ति के घर के आसपास में क्या है वो बता सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी से भी एक कदम आगे चली गई। ना तो इसमें हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ना हम कुछ पूछते हैं, सिर्फ हमें घड़ी चाहिए और ये घड़ी जो है आपकी लाइफ में 360 डिग्री का लाइफ का चेंजेस ला सकती है। एक साइंटिफिक घड़ी, अगर किसी व्यक्ति ने एक साइंटिफिक घड़ी पहन ली ना, वह व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। एक सिंपल सी बात है, अगर आपको सही समय में सही चीजें मिल जाएं, सही समय में सही चीजें आपकी लाइफ में होने लगे, तो क्या आप अपने जीवन में दुखी होंगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपका समय आपके साथ चलेगा तो आप जो काम करोगे लाइफ में वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, जिस काम को भी करने जाओगे वो काम हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, कितने लोग राइट हैंड में वॉच पहनते हो और कितने लोग लेफ्ट हैंड में पहनते हो? जो नहीं पहनते वो तो मैच कर लिए, और कोई है यहाँ पे जो घड़ी पहनता है और वो सर, लेफ्ट राइट हैंड में हैंड, वॉच पहनता है? लेफ्ट मैं हैंड में सर, सर, राइट, लेफ्ट हैंड में पहनता हूँ मैं सर, लेफ्ट लेफ्ट महिलाएं तो राइट हैंड में ही ज्यादा पहनती हैं, बट हैंड, फीमेल लेफ्ट जो हैंड है में, वो लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में, हाँ, महिलाएं जो है वो राइट हैंड में पहनती हैं और मेल जो है वो लेफ्ट हैंड में पहनते लेफ्ट हैंड में। हैं। 1 मिनट, अब यहां पर ना एक चीज बताता हूं आपको, बहुत बड़ी चीज। जब किसी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस लाना है ना, आपको ना आज की क्लास में 4-5 टिप्स भी दे दूंगा, यूज करके देखना। अगर आप जो व्यक्ति जिस भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा वीक है, जिस भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा वीक है, वो घड़ी को राइट हैंड में पहनना चालू कर दे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप देखोगे कि उसका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, और जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, लोगों के साथ बाउंडिंग अच्छी करनी है, वह व्यक्ति
लेफ्ट हैंड में वॉच पहनना चालू कर दे। अब यहां पर एक चीज आती है, देखो मैंने भी ना लेफ्ट हैंड में पहनी है वॉच। जब आप किसी पब्लिकली किसी के साथ मिलते हो, पब्लिकली किसी के साथ उठना बैठना करते हो, तो राइट हैंड में वॉच पहनो। जब आप अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना पसंद करते हो, तो आप अपने लेफ्ट हैंड में वॉच पहनो। राइट हैंड में वॉच कब पहनना है? जब आप वर्क में हो, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कैसे आएगा कॉन्फिडेंस बताता हूं। भगवान शिव के दो स्वरूप है, आप लोगों ने देखा है, अर्धनारेश्वर स्वरूप, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड किसका है? शिव का। और लेफ्ट साइड किसका है? माँ पार्वती का। तो जब आप घड़ी को राइट हैंड साइड में पहनते हो, तो उस व्यक्ति की मेल एनर्जी कई ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो कई बार आप देखना जो महिलाएं राइट हैंड में वॉच पहनती है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, वो किसी से भी भिड़ जाती है। और जो महिलाएं लेफ्ट हैंड में वॉच पहनती है, वो इमोशनली बहुत ज्यादा दबी हुई रहती है, उनको इमोशनली दबाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक ये टिप मैंने दिया, कभी भी आप ऑफिशियल वर्क के लिए जा रहे हैं तो घड़ी को आप राइट हैंड में पहने। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, आप घड़ी को राइट हैंड में पहने। आपको कहीं ऑफिस में जाना है, किसी ऑफिसर से मिलना है, आपको अपना काम निकलवाना है, घड़ी को आप अपने राइट हैंड में पहने। ठीक है, अब ये नहीं है कि फैमिली के साथ में आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो राइट हैंड में पहनेंगे, तो वहां पे आपकी पर्सनैलिटी बोल्ड हो जाएगी, तो अननेसेसरी झगड़ा होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में। जहां पर आपको अपने आप को बोल्डनेस दिखानी है, वहां पर आप घड़ी को राइट हैंड में पहने। जहां पर आपको इमोशनली कनेक्ट होना है, पार्टीज में जाना है, फैमिली के साथ घूमने जाना है, या फिर कुछ भी ऐसा इमोशनल से रिलेटेड काम करना है, तो आप घड़ी को लेफ्ट हैंड में पहने। आप देखोगे कि आपके जीवन में ना कायाकल्प होने लगेगी, पलटने लगेगा जीवन आपका। 10% तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने समय को अपने साथ चलाना चालू कर दिया। आप देखना, कई लोग जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस कलेक्टर, या फिर बड़े से बड़े फिल्म स्टार को देखना, बड़े से बड़े लोगों को देखना, वो लोग घड़ी पहनते हैं। बट हम जो मिडिल क्लास में जब आ जाते हैं, तो क्या लगता है, ये घड़ी क्या झंझट है, एक टोक पाले नहीं पालते। वो झंझट नहीं है दरअसल, वो आपकी लाइफ के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए काम। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज से कुछ साल पहले एक सीरियल आता था महाभारत करके, उसमें एक स्टैचू बना रहता था और वो कहता था कि मैं समय हूं। देखा है किसी ने? बहुत समय में तुमको देखा हमने। हाँ सर जी बिल्कुल देखा है। तो वो क्या कह रहा था, मैं बिल्कुल समय हूं। हाँ जी सर याद है। तो वो क्या है, समय क्या है? वो आप स्वयं है। जब मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे कंसल्टेंसी के लिए आते हैं कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनको कहता हूँ अपने समय को अच्छा कर लो। एस्ट्रो, आप लोग ना मेरे यूट्यूब वीडियो में जाना, रस्ट वॉच एनालिसिस की, मेरे जो क्लाइंट मतलब जो स्टूडेंट्स है ना, उन स्टूडेंट का आप रिव्यू देखना। उन्होंने क्लासेस, जिन्होंने भी मेरी क्लासेस अटेंड किया है, उन्होंने फीस पे किया है, विदिन अ 2 मंथ में उन्होंने 3 टाइम पैसा वसूल लिया है। क्या कह रहा हूँ, 3 टाइम। जितने लोगों ने मेरे मेरे से क्लासेस करी है, 3 टाइम पैसा कैसे वसूला? उन्होंने कंसल्टेंसी लोगों को दी, किसी को 2100 में, किसी को 11000 में, किसी को 5100 में, उन्होंने पैसा ले लिया कंसल्टेंसी देके। अभी आप लोगों को वो चमत्कार दिखाऊंगा। ठीक है, घड़ी से हम कैसे चीजों को अच्छा कर सकते। अब ज्यादा समय नहीं लेता, हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ग्रुप में शेयर की होगी फोटोज, तो अभी मैं स्क्रीन पे वो फोटोज लाता हूँ। सेकेंड, फोटो तो बहुत सारी आ गई है, एक एक करके हम। ये किसकी है? चेतन जी, ये हाँ किसकी सर है? ये मेरी है चेतन, मेरी है सर चेतन जी। हाँ आपकी है। एक सेकेंड, मैं ना इसका थोड़ा सा वो जो लिखा है उसको ब्लर कर दूं, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही हमने ग्रुप में डाल दिया था, तो फिर कंपनी का मैसेज आ गया कि सर आप हमारे हमारी घड़ी को आपने बुरा कैसे बोल दिया। एक सेकेंड,